ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा असंयम यहन विषय करियासा रघुपति भगति सजीवन मूरी अनोपान श्रद्धामति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही नाही तकोटी जन्म नहीं जाही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंकज उदास जी का एक बहुत ही सुंदर गजल है, बड़ा ही आध्यात्मिक है और किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद बड़ा सुकून मिलता होगा इस गजल को। हमने सोचा कि इसका थोड़ा सा अर्थ हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहले आइए गजल रूपी भजन, पहले के जो भजन हुआ करते थे अपने आप में एक शोध, एक खोज, एक रिसर्च, एक भाव होते थे भावना को बढ़ाने का। और वैसा ही आजकल के कलाकारों को भी भजन गाना चाहिए जिससे उसका लाइफ व्यूवर, लाइफ टाइम व्यूवर रहे। ये नहीं कि आज भजन फिल्मी गाना निकला और 10 दिन बाद फिर वो डाउन हो गया, दूसरा बजने लगा। तो लेकिन पहले के जो कलाकार रहते थे बड़ा सुंदर भजन गाते थे, जिसको आज भी आप सुने तो लगेगा कि सुपर हिट गाना है। तो एक साधक के लिए बड़ा ही सुंदर भजन है यह कि कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, किसे से मांगने जाए हर कोई भिखारी है,
किस से मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। क्या कहूँ कि आँखों में आंसुओं का रेला है, क्या कहूँ कि आँखों में आंसुओं का रेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। एक साधक के लिए, वो गृहस्थ जीवन का साधक हो या विरक्त जीवन का साधक हो, उसके लिए बड़ा सुंदर भजन है। जो मोहासक्त व्यक्ति है उसे तो आडंबर युक्त भजन पसंद होंगे, लेकिन साधक के लिए कल भी मन अकेला था। हर जन्म में व्यक्ति अकेला ही पैदा लेता है और अकेला ही चला जाता है। संसार में सब कोई कहते हैं कि हमारा 5 बेटवा हैं, हमारा 500 परिवार है, गांव में 5,000 आदमी हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो हर कोई अकेला है। कल भी अकेला थे, कल माने पूर्व जन्म, इसके पहले जो भी हम सब लोग का जन्म रहा होगा उस जन्म में भी अकेले आए रहे होंगे, और फिर इस जन्म में आए तो कोई माई बना, कोई बाबू बना, लेकिन अकेले ही आए। तो चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, यह भी बड़ा सुंदर भजन है। तो हर समय ये जीव अकेला ही है, और इसके साथ इसके कर्म हैं और भगवान की कृपा है, परमात्मा का साथ है। बाकी संसार में हम जिसको समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जब जीव आया था तो भी अकेला, कोई साथ नहीं था, और जब जाएगा तो भी अकेला जाएगा। तो पहली लाइन में ही उदास जी ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया कि कल भी मन अकेला था, ये मन कल भी अकेला था और आज भी अकेला है। आज भी देखिए तो हर व्यक्ति घर में, परिवार में, ट्रेन में बैठे हैं, रहते हुए भी सब अकेले ही हैं। कोई पर आफत विपत आ जाए, कोई किसी को साथ देता है, कोई किसी को साथ नहीं देता। चाहे कितना भी बड़ा VVIP हो, कितना भी बड़ा गरीब हो, सब पल्लू झाड़ के चले जाएंगे, हमसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं। माता द्रौपदी अकेली थी, कोई नहीं बचा पाया, भगवान आए तो बचाए। तो पांचों पांडव बैठे हुए थे, पूरी सभा बैठी हुई थी, तब माता द्रौपदी के मन में यही भाव आया होगा, भाई इससे बढ़िया तो अकेला ही अच्छा है, भगवान ने जब बचाते हैं तो। वास्तव में भगवान ने मदद करते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को समाज में रहते हुए ये हमेशा भाव रखना है कि मैं अकेला हूँ और हमारे अच्छे कर्म, भगवान की कृपा, यही हमारे साथी हैं। ये अगर सही है तो 10 आदमी साथी बन जाएंगे। कहें कि सीता को सखी हजारों थी, जब विपत पड़ी तो कोई नहीं। राम के दोस्त हजारों थे, जब वन में गए तो निषाद राज बना कोई नहीं। तो कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। हर मनुष्य की अपनी
किस्मत होती है, भाग्य होता है। दो दोस्त साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन देखिए तो दोनों का ट्रैक अलग अलग हो जाता है। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई माथे पर तगाड़ी लेकर के ढो रहा है, तो कोई बंदूक राइफल उठा के बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, तो कोई नेता बन करके प्रचार कर रहा है, तो कोई जोगी बन के भगवान का भजन कर रहा है। सबकी किस्मत का एक खेल है संसार, जिसका जहाँ पर ट्रैक चेंज होना है ट्रैक चेंज हो जाएगा। इसलिए मन को ये समझाओ कि रे मल, कल भी अकेले थे, अगले जन्म में भी अकेले ही थे, इस जन्म में भी अकेले हो, और किस्मत का खेल कब किसके साथ खेल जाए, क्या हो जाए, तो ये किस्मत पर ही, ये भाग्य किस्मत से ही पूरी, हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे उसका प्रारब्ध कार्य करता है। कौन चोर बनना चाहता है, कौन गरीब बनना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मैं बुद्धिमान रहूं, कौन पागल बनना चाहता है, सब अच्छा बनने चाहते हैं। जितना बड़ा बड़ा क्रिमिनल हो, बड़ा बड़ा डकैत हो, बड़ा बड़ा माफिया हो, सबसे आप पर्सनल मिलो, सब चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन किस्मत संगत भाग्य उठा के उनके पूर्व जन्म के कुसंस्कार किधर पटक देंगे। हर बच्चा से पूछिए क्या बनोगे, तो कोई कहता IAS बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा नहीं कहता मैं खराब बनूंगा। लेकिन जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, ये किस्मत का खेल है सब, ये उसी को समझ में आएगा जो एकांतिक सुख, एकांतिक आनंद, एकांत में भजन करेगा, भगवान उसको बता देंगे। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज, स्वामी जी के गुरु महाराज कहा करते थे अपने सत्संगों में कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साधु बनूंगा, मेरा पूरा भरा परिवार था, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत का खेल, पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्मों में भी अकेले, 6 जन्मों से साधु, इस जन्म में ही भगवान थोड़ा बहुत दिखा के साधु बना दिया। तो ये सबके किस्मत का खेल है, न कोई साधु बनना चाहता है, न कोई चोर बनना चाहता है, न कोई डकैत, न कोई ये IAS IPS चाहता है, दूसरा बन जाता है IAS IPS। किस्मत है तो उधर अपने आप खींच के ले जाएगी, किस्मत नहीं है तो लाख प्रयत्न करने पर भी आपको खींच लेगी। तो जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, ये संसार क्या है, कागज का गुलाब है, जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा नहीं बाद में, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, इसमें खुशबू ढूंढ रहे हो कहीं खुशबू नहीं, जहां से खुशबू निकल रही है वहीं से दुर्गंध भी निकलने लगता है। वास्तव में खुशबू भगवान के भजन में, भक्ति में, चिंतन में, ध्यान में जो आनंद मिलता है, मन उससे खुश हो जाता है। उस खुशबू को एक बार अगर मन सूंघ पाया, उसमें आनंदित हो जाता है, और हम लोग उस खुशबू को इन संसार में ढूंढना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा। तो ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, देखे कागज का गुलाब कितना बढ़िया, सुंदर सुंदर माली लोग, तमाम फूल दूर से देखने में लगा ओरिजिनल है, ओरिजिनल बेला है, ओरिजिनल चमेला है, लेकिन नहीं, नज़दीक आप जाओगे तो सुगंध नाम का चीज नहीं रहेगा। उसी तरह से संसार में हम सब लोग
खुशबू तो ढूंढते हैं जब, लेकिन इस संसार को नजदीक से देखते हैं तो केवल दुर्गंध ही निकलता है, सुगंध तो आता ही नहीं। तो कागज के गुलाब में जैसे खुशबू नहीं है, वैसे ही संसार में भी खुशबू नहीं है। तो ढूंढते हो तुम खुशबू, तो इस संसार में आए हम क्यों हैं भाई, जब संसार में कुछ नहीं है। तो संसार में आ करके और अपने कार्यों को करते हुए सुबह शाम भगवान का, ईश्वर का भजन, चिंतन, पूजा, प्रेयर, प्रार्थना करते हुए उस वास्तविक खुशबू को प्राप्त करने के लिए, जो खुशबू कहीं न कहीं से हमसे विलुप्त हो गई है। तो कहें प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, केवल किताबों में प्यार लिखा हुआ। कोई कहेगा हम फलना से प्यार करते हैं, कोई कहेगा मम्मी तुमसे हम इतना प्यार करते हैं कि जान दे दूंगा, कोई कुछ जरूरत पड़ेगा तो मम्मी के लिए एक बोतल खून दे सकता है, लेकिन जान कोई नहीं देता। तो किताबों में प्यार लिखा हुआ है, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, केवल किताब में बस लिखा हुआ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कागज में, चिट्ठी में, मोबाइल पर हाय दोस्त, हेलो दोस्त, दिल का स्टिकर भेज के, ये केवल दिखावा के लिए है। वास्तविक प्यार जो होता है वो ईश्वर भगवान के नाम में, गीता में, रामायण में, अच्छे विचारों में जो करता है, वो प्यार दिल में लिखा जाता है, वो किताब में नहीं लिखा जाता, उसको दर्शाया नहीं जाता है। तो आजकल का जो प्यार है वो लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं। माता सीता ने भगवान राम से प्यार किया सच्चा में, राधा रानी ने भगवान कृष्ण से प्यार किया सच्चा में। तो वो पूरा दृष्टिपात हुआ, वो किताबों में कोई नहीं लिखा, पूरी दुनिया उस समय की देखी, ऋषि मुनि आज हृदयस्थ हो देख रहे हैं। तो प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। ये संसार के जो भी रिश्ते नाते, जिसको मन समझ बैठा है कि ये मेरे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक स्वार्थ का झमेला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी को स्वार्थ रूपी फेविकूल उसको जोड़े हुए है, और जिसको एक तरह से मोह कहा जाता है। और वास्तविक स्वार्थ तो है स्वार्थ सांच जीव कहूँ यहाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो स्वार्थ का झमेला है, स्वार्थ का ही बस झमेला है। जहाँ तक आज का स्वार्थ है, किसी से किसी का सिद्ध हुआ, कनेक्शन खत्म, फिर आपसे मतलब जब कोई स्वार्थ आएगा तभी वो व्यक्ति रखेगा। तो इसलिए जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ से ही बनते हैं। जैसे आप कहीं अपने बेटी का विवाह करते हैं तो देखिए स्वार्थ रहता है, भाई दहेज मिलेगा, फलना मिलेगा, ढकना, एक पारिवारिक संबंध बन जाता है। दहेज थोड़ा सा कम मिला, देखो फिर ख़त्म, फिर लड़ाई होने लगेगा, फिर रिश्ता ख़त्म, बोलेगा तुमसे रिश्ता मेरा ख़त्म। बेटा है, देख रहा है कि बाबू पढ़ा रहे हैं हमको, लिखा रहे हैं, कपड़ा दे, जब देखेगा कि भाई मैं कमाने लगा तब कहेगा बुढ़ऊ तो से तंग आ गए, जा तो से हम रिश्ता ख़त्म। पत्नी कमाने लगेगी या उसको थोड़ा और कमाने वाला मिल गया, बोलेगा जाओ हम तुमसे तलाक दे दिए, तो दूसरे के पास चल जाएगी। तो कहते हैं ये रिश्ते नाते झूठे हैं, ये तो यहीं बने। कल आपका कोई नहीं लगता था, स्वार्थ जुड़ा तो मम्मा चचा बाबू दादा साला जीजा बहनोई लगने लगा,
स्वार्थ कटेगा वो खत्म हो जाएगा, इसलिए झूठा है और झमेला है। तो मेरी किस्मत जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है। इसलिए रे मन रे जीव सोचो, तू कल भी अकेला था और आज भी अकेला है, और तुम अगर अकेला चलने की आदत डाल लो। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर एकांतिक सुख का आनंद मिलने लगा तो समझ लो कि तुम्हारा भजन वहीं से आरंभ हो गया। कुछ भी नहीं अगर कर रहे हो तो एकांत देश का सेवन कर, अपने आप को अकेला मान लो कि मैं अकेला हूँ, और जिस क्षण अकेला मानोगे भगवान साथ हो जाएंगे। और जब तक ये समझते रहो कि ये है वो है, तब तक भगवान साथ नहीं। तो जिंदगी के मंडप में हर खुशी कमारी है, जिंदगी का ये जो मंडप है इसमें हर खुशी कमारी है। आज मिलेगी खुशी कल नष्ट हो जाएगी। इस जिंदगी के मंडप में कोई खुशी ऐसी नहीं है जो आपके साथ जीवन भर रह पाए। जो आज खुशी है हो सकता है यही कल दुखी में बदल जाए। आज आप नई गाड़ी खरीदे 10 दिन खूब खुश रहोगे, फिर 11वें दिन ड्राइवर नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस कराना है, गाड़ी लड़ गई फलना, फिर वह खुशी दुख में बदल जाएगी। तो जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। और खुशी किससे मांगने जाओगे, हर कोई तो खुशी की भीख मांग रहा है, भगवान हमको खुश कर दो खुश कर दो। जो बहुत खुश है वो भी खुशी की भीख मांग रहा है, किससे खुशी मांगो, कोई खुशी दे नहीं सकता है क्योंकि हर कोई दुखी है। किससे मांगो, मांगना है तो भगवान से मांगो। दुनिया वाले तो खुद सब भिखारी हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया। इसलिए मांगना है तो भगवान से मांगो, दुनिया वालों से क्या खुशी मांगोगे, तो खुद भगवान से मांग रहे हैं। इसलिए आप सोचो कि हम फलाने नेता फलाने मंत्री फलाने सेठ फलाने अरबपति के पास चले जाएंगे तो हमको बहुत खुशी मिल जाएगी, फलना हो जाएगा ढकना हो जाएगा, ऐसा संभव है? वो बेचारा खुदे दुख है तो आपको क्या दे देगा। उसके पास टेंशन है कि अब चुनाव कैसे जीतें, कहाँ से 10 करोड़ लाएं, वहे भगवान कैसे हूँ चुनाव इस बार जिता दो। वो तो रात दिन अपने रो रहा है, तो आपको खुशी कहाँ से देगा, खुद भिखारी है। तो क्या कहूँ कि आँखों में आंसुओं का रेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। इसलिए कभी कभी आदमी आँखों में आंसू भर लेता है कि बाहर मेरी किस्मत तुम्हारा खेल कैसा अचरज मैं रहा, कि कल भी मैं अकेला था आज भी अकेला हूँ, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। इसलिए हर कोई व्यक्ति अकेला है और ये सब किस्मत का खेला है। किस्मत में कब तक कौन साथ रहेगा, कौन बिछड़ेगा, कौन आपका होगा, इसलिए मन में समझो कि बस एक नारायण एक परमात्मा आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता कोई काट नहीं सकता, सब ठीक हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।